नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आप सभी का। आज का दिन जन टीवी परिवार और जन टीवी के समस्त दर्शकों के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन ठीक लगभग इसी समय एक वृक्ष जिसका आगाज हुआ था जन टीवी के रूप में और सफलता के अनुसार भरोसा आप सभी का, और यही बड़ी वजह रही कि हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, निष्ठा, पारदर्शिता और जनहित, जन भागीदारी रही है। उसी बदौलत आपके स्नेह प्यार की वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चले, मैं ज्यादा आपके बीच नहीं रहूंगा, लेकिन हमने विशेष गुजारिश की है हमारे एडिटर इन चीफ श्री एस के सुराना जी से। वो खुद भी अभी कोविड पेशेंट हैं। हम सभी दुआ भी करेंगे जल्द वो रिकवर करें, और हम सर आपसे आग्रह करेंगे कि दर्शक और परिवार के सदस्यों को आप अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। नमस्कार। आज 9वीं वर्षगांठ पर सर्वप्रथम जन टीवी और इसके समस्त दर्शकों को मेरी हार्दिक बधाई। आप सबने इतने वर्षों तक हमें इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, तभी आज ये 9 साल में एक छोटा सा पौधा वटवृक्ष बन सका है। दर्शकों के प्यार के बिना कोई भी मीडिया हाउस कभी कुछ नहीं कर सकता। किसी भी मीडिया हाउस के लिए सबसे पहली चीज है जनता का विश्वास जीतना, और शुरू से ही हमने जनता से जुड़ने के लिए, इसलिए हमारी टैग लाइन हमने बनाई जन जन की आवाज। तो शुरू से ही हमने जनता से जुड़ने का प्रयास किया। हालांकि देखिए, बिना विज्ञापन के और बिना कोई सहयोग के कोई चैनल नहीं चल सकता, फिर भी हमने ज्यादा तवज्जो ये दी कि जनता की आवाज बने, किसी से बिके नहीं, सत्य की आवाज को उजागर करते रहे। और कितने चुनाव आए, कितने लोकसभा चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए, आज तक जन टीवी पर कभी कोई पेड न्यूज की या किसी भी चीज का आज तक कोई आरोप नहीं। तो हमने सभी पार्टियों को मंच दिया, सभी विचारधाराओं को मंच दिया, और मीडिया का काम होता है एक दर्पण की तरह दिखाना, समाज की सच्चाई को दिखाना और उसकी एनालिसिस करना। कई जो गांव गांव ढाणी ढाणी में लोग होते हैं, वो आज टीवी की न्यूज पर विश्वास करके बहुत सी चीजें करते हैं। तो हमें झूठी खबरें बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। ज्ञान जो भी दें वो सच्चा होना चाहिए, स्पेशली अब जब कोविड टाइम है। ऐसे में कई तरह की गलत चीजें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती हैं, उसको टेलीविजन वाले भी चला देते हैं, तो उसको डबल चेक होना चाहिए। विज्ञान आगे होना चाहिए, और ये जो और चीजें होती हैं जिससे कि हमारा नुकसान हो सकता है, हमारी जान जा सकती है, उन सब चीजों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये सब चीज का हम लोगों ने ध्यान रखा। मैं अपनी टीम का बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि इतने कठिन 1.5 साल में हम में से, जैसे अब मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, हम लोगों ने एकदम फ्रंट लाइन वर्कर की तरह फील्ड में जा करके लॉकडाउन पीरियड में अपनी परवाह न करते हुए आप सबको सामाजिक सरोकार की, कोविड की, सब तरह की चीजें, चुनाव की दिखाई। हमारे सारे फील्ड वर्कर्स, सारे पत्रकार बंधु, हमारे सारे टेक्नीशियंस, सारे एडिटर्स, सबका मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दिन रात एक कर जन टीवी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। जन टीवी जो आज जयपुर से एक चालू हुआ था 2012 में, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब के कर कमलों से ही हुआ था। उसके बाद हमने वसुंधरा जी का वक्त भी देखा, दो दो सरकारें बदल गई, यूपीए भी देखा, एनडीए भी देखा, लेकिन जन टीवी लगातार जारी है। कितने चैनल आए और चले गए, और 9 साल से जन टीवी चल रहा है, और आज पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं। यूपी में घर घर में देखा जाने लग गया है, झारखंड में, अब तो गुजरात में, हिमाचल में, इवन जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कई शहरों में जन टीवी के संवाददाता मौजूद है। तो इन सबको देखते हुए मुझे बहुत ही संतोष फील होता है। आप सबका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा, और इस कोविड पीरियड में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एक पुख्ता जानकारी इकट्ठा करें और आप अपने परिवार को सेफ रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिना मास्क के बाहर निकलने की तो हनुमान जी की कसम खा लीजिए, और अगर मुस्लिम है तो पीर बाबा की खा लीजिए, क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट की खा लीजिए। बिना मास्क के तो बाहर निकलना ही नहीं है, और ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें अगर आपने देरी की तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जितना जल्दी आप पता करेंगे, जितना जल्दी अपनी किट दवाइयां लेना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप ठीक होंगे। हमारे टीम भी लगी हुई है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी जन टीवी पे बराबर प्रसारित की जा रही है, आपको जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। उसी तरह से जन टीवी शिक्षा हो जाए, मनोरंजन हो जाए,
रोजगार हो जाए, कृषि हो जाए, हर क्षेत्र में हम चाहते हैं हमारे भारत के गरीब नागरिक जिनको बड़े बड़े इंटरनेट के एक्सेस नहीं है वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े और उनको एक पुख्ता जानकारी मिले। इन भावनाओं के साथ जन टीवी का आगाज किया गया था और आगे भी इन्हीं आइडियल्स के साथ जन टीवी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी सेवा में हमेशा लगी रहेगी। और आपके कोई भी सुझाव हो हमारे वेबसाइट पे जाकर आप डाल सकते हैं, हमारे फेसबुक से जुड़कर डाल सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ के डाल सकते हैं और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। और जनता हमारे लिए सबसे आगे है, एवरीबडी एल्स इज बिहाइंड जनता। जय जय जन टीवी, जय जय जनता, नमस्कार। ओके योगेंद्र, आपका बहुत बहुत आभार सर। और हमारे एडिटर चीफ एस के सुराना जी जो हमारे से मुखातिब हुए हैं, आप सभी से रूबरू हुए, वक्त ऐसा कठिन है, खुद एक कोविड पेशेंट हैं लेकिन बावजूद उसके उनके यही स्नेह और प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है और यही बड़ी वजह रही कि हम कोविड की लड़ाई में बिना किसी परवाह के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम इस काम को बखूबी निभाते रहें। और सर आप ही की प्रेरणा है कि जो लगातार आप ये कहते रहे कि पैनिक हो रहा है, पेंडेमिक है, लेकिन हमें वो सब चीजें दिखानी जानी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जा सके सकारात्मक रूप का। समय समय पर हमने चिकित्सकों को जोड़ा, वो चीजें दिखाई जो हमेशा समाज में एक प्रेरणा की तरह काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से ये कठिन समय है, वक्त के साथ हम जरूर एक बड़े फंक्शन और जश्न के साथ आप सबके बीच में हाजिर होंगे, लेकिन आपके लिए आप सभी का शुक्रिया और इसी तरह से आप सभी का स्नेह बना रहे, धन्यवाद। धन्यवाद।